पंडित रामकृष्ण सत्य कह रहे हैं शेख चली महोदय अर्थात गुरुदेव, अपने दर्शन का प्रमाण दीजिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये अग्नि आपको भस्म नहीं कर पाएगी। सत्य वचन। चलिए गुरु शिष्य दोनों अग्नि में प्रवेश करते हैं। आइए शेख चिल्ली महोदय आगे बढ़िए और सबके समक्ष सिद्ध कर दीजिए या आपका दर्शन सत्य है। आनंददाता शेख चिल्ली महोदय की जय। आनंददाता शेख चिल्ली महोदय की जय। शेख चिल्ली महोदय अब तो आप पीछे नहीं हट सकते। यदि अभी आप पीछे हटेंगे तो आपके सभी अनुयायी आपसे दूर हो जाएंगे। अति उत्तम पंडित रामकृष्ण। अरे छोड़ दो मुझे। अरे आइए तो सही। अरे नहीं जाना हमको आपके अंदर। मैंने तो सिर्फ रामा के साथ एक शर्त लगाई थी कि इसका दर्शन सच्चा है या मेरा। इतनी मामूली सी शर्त के लिए कोई किसी को आग में थोड़ी ढकेल देता है। ये क्या बोल रहा है शेख जी? हम तो खुद पंडित रामा कृष्णा की अकलमंदी के कायल हैं। हम तो सिर्फ इनकी आजमाइश कर रहे थे और देखिए इन्होंने कितनी अकलमंदी का काम किया। हमें तो लगा कि हम बाजी जीत ही गए लेकिन ऐन मौके पर आकर इन्होंने पटकनी दे ही दी। अब हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा तो क्या आप भी मेरे दर्शन और मेरे विचारों से प्रभावित हैं? बेशक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके मुरीद हो गए। हम तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे और कभी नहीं बदलेंगे। कर्म करके सफलता को पाना आप जैसे कर्मठ और अकलमंद इंसान को ही शोभा देता है, मुझ जैसे आलसी को नहीं। शिक्षिली महोदय, सबको अपने विचारों का पाठ पढ़ाते पढ़ाते आप स्वयं अपने विचारों और सिद्धांतों का पालन करना भूल गए। आप कहना क्या चाहते हैं? अपने दर्शन शास्त्रों का विचार विजयनगर के घर घर पहुंचाने के लिए आपको स्वयं कितना परिश्रम करना पड़ा, इस पर तो विचार कीजिए शेख चिल्ली महोदय। कैसे हो गया? काम करना और मेहनत करना तो हमारे दर्शन के खिलाफ है। कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है ना। अब हम आगरा जाएंगे और अपने दर्शन का विस्तार करेंगे और इस बार दोबारा मेहनत करने की गलती कभी भी नहीं करेंगे। शेख चली महोदय, हमें ये तो ज्ञात नहीं था कि आप पंडित रामकृष्ण की बुद्धिमता जांचने के लिए सब कर रहे थे, परंतु हमें पूर्ण विश्वास था कि आप जो भी समस्या उत्पन्न करेंगे उसका समाधान पंडित रामकृष्ण अवश्य ढूंढ निकालेंगे। और इसी कारणवश हमने संन्यास लेने का मिथ्या नाटक किया था। पंडित रामकृष्ण, जिस प्रकार सूरज और चांद सच है उसी प्रकार आपका और मेरा दर्शन भी सच है। अब हम ये आपकी प्रजा पर छोड़ देते हैं। हमारे बताए गए फलसफे को जिंदगी में उतारना है या आपके दर्शन को? शेख 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 चिल्ली। ओए शेख चिल्ली, आपका फलसफा अपने जीवन में धारण करने का परिणाम हम देख चुके हैं। मुझे मेरी प्रिय लाठी से हाथ धोना पड़ा। शेख चिल्ली के चक्कर में हमने अपनी स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली शेख चिल्ली को दे दी। हमारी
स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली जल रही है। हमारी तलवार। महाराज, महाराज, हमारे संकेत देने पर हमारे सिपाही ने यह तलवार वहां से निकाल दी थी। धन्यवाद महामंत्री जी। और अब महामंत्री जी, शीघ्र अति शीघ्र शेख चली महोदय की सवारी आगरा के लिए रवाना की जाए। हाँ। और स्मरण रहे, आगरा से पूर्व कहीं ये सवारी रुके ना। जो आज्ञा महाराज। पंडित रामकृष्णा महाराज, आपने पुनः एक बार अपनी बुद्धिमता से हमारी और समस्त विजयनगर राज्य की रक्षा की। धन्यवाद। पंडित रामकृष्ण की जय। पंडित रामकृष्ण की जय। पंडित रामकृष्ण की जय। प्रस्थान करते हैं। एक चली महोदय, आगरा रवाना होने से पूर्व हम चाहते हैं कि आप एक बार हमारे साथ भोजन का आनंद अवश्य उठाएं। सही नसीब। इजाजत। पंडित रामकृष्णा, आपको स्मरण करा दें, कल दरबार में आपको मिथिला नरेश की चुनौती पूर्ण करनी है। 3 दिवसों के भीतर विजयनगर राज्य में सबसे अधिक सत्य बोलने वाले व्यक्ति को आप ढूंढ निकालेंगे और साथ ही साथ ये भी सिद्ध करेंगे कि हमारे राज दरबार में हमारे समक्ष सभी पूर्णतः सत्य नहीं कहते। ईश्वर, मैं शेख चिल्ली महोदय के कारण इतना उलझा रहा कि समस्या के विषय में कुछ सोचा ही नहीं। ज्ञात नहीं कल दरबार में क्या होगा। अरे पंडित गुरुवर, इससे पूर्व कि आप मुझे डांटे, मैं ये बता देना चाहता हूँ महाराज कि दरबार आने से पूर्व मैं माँ के मंदिर गया था उन्हें धन्यवाद अर्पण करने के लिए। कहे कि उनकी कृपा से हमें शेख चिल्ली महोदय से मुक्ति मिल गई, तो सभी की उज्जवल भविष्य के लिए मैंने माँ के चरणों में प्रसाद भी चढ़ाया, सबके लिए लेकर भी आया हूँ। महाराज यदि आप अनुमति दें तो। अवश्य अनुमति है पंडित रामकृष्ण जी। पंडित रामकृष्णा, हम गुरुवर हैं। हाँ हाँ, गुरुवर हैं। ये लीजिए, बड़ा आनंद आएगा। धन्यवाद। मंत्री भी ये लीजिए। प्रसाद सभी में वितरित कर दिया, बस केवल मैं बचा हूं तो मैं भी। उचित है, परंतु पंडित रामकृष्ण आशा करते हैं कि आपने विजयनगर राज्य के सबसे अधिक सत्य बोलने वाले व्यक्ति को खोज निकाला है, क्योंकि स्वयं हम और मिथिला प्रदेश से आए राजदूत आदित्य प्रकाश स्वर्ण पात्र लिए उस व्यक्ति से भेंट करने हेतु प्रतीक्षा कर रहे, तत्पर हैं। और उसके पश्चात आपको यह सिद्ध करना होगा कि हमारे समस्त दरबारी मिथ्या वचन बोलते हैं। पंडित रामकृष्ण, स्मरण है ना आपको? जी महाराज। चलिए सिद्ध कीजिए। आ, 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 आ,
सब ठीक तो है? मंत्री जी, महाराज राजवैद्य को बुला जाए शीघ्र। जो आज्ञा महाराज। हम नहीं महाराज, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपके दरबार में मेरे असत्य बोलने का दंड है। महाराज, मैंने जो प्रसाद दरबारियों में वितरित किया है वो वास्तव में एक चमत्कारी बूटी है, जो किसी भी मिथ्या वचन बोलने वाले के शरीर पर प्रभाव डालती है और इस प्रकार उसके शरीर पर सींग उगाते हैं। राजदूत आदित्य प्रकाश द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए और कोई विकल्प नहीं था मेरे पास महाराज। महाराज, मेरे पास इसका काट भी है। ये एक और बूटी, किंतु जिस दरबारी ने दरबार में कभी भी मिथ्या वचन ना कहे हो उसे इस बूटी को खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बूटी इन्होंने प्रसाद के रूप में ग्रहण की थी वो सत्यवादी व्यक्ति पर अपना प्रभाव नहीं डालती महाराज। पंडित रामकृष्ण, बूटी हमें दीजिए। पंडित रामकृष्ण हमें दीजिए। पंडित रामकृष्ण जी सर्वप्रथम मुझे दीजिए, मेरे नौ नौ बच्चे हैं, सोचिए उनका क्या होगा। शांत हो जाइए सभी। महाराज, पंडित रामकृष्ण, जी महाराज, पंडित रामकृष्णा, हमें पूर्व भी ज्ञात था कि ये आपका कोई नया प्रपंच है। हमने सब कुछ ज्ञात होते हुए भी बूटी मांगने का नाटक किया। ऐसा हमने शेष दरबारियों को प्रोत्साहित करने के लिए किया, अन्यथा महाराज के समक्ष कोई स्वीकार नहीं करता कि उसने कभी दरबार में मिथ्या वचन भी बोले हैं। इसका अर्थ तो ये हुआ कि हमारे सभी दरबारी मिथ्या वचन बोलते हैं। गुरुवार, गुरुवार जी है? क्षमा करें महाराज, ये सिद्ध करने के लिए कि आपके दरबार में सभी दरबारियों ने कभी ना कभी मिथ्या वचनों का प्रयोग किया है, मेरे पास और कोई उपाय नहीं था महाराज। अद्भुत।
पंडित राम कृष्णा अद्भुत। एक क्षण पंडित रामकृष्णा, एक क्षण, कृपया हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने हमें प्रसाद दिया, सभी दरबारियों को प्रसाद दिया, परंतु महाराज को और राजदूत महोदय को प्रसाद नहीं दिया। आपने राजदूत महोदय को प्रसाद नहीं दिया, ये हम समझते हैं कि राजदूत महोदय दरबारी नहीं है, परंतु आपने महाराज को प्रसाद क्यों नहीं दिया? ध्रुवत, ये किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं आप? हैं? पंडित रामकृष्ण, आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या विजयनगर राज्य में सत्य बोलने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है? है महाराज, क्यों नहीं है? है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पंडित रामकृष्णा, उस दिवस तो आपने कहा था कि संसार में ऐसा व्यक्ति खोज पाना अत्यंत कठिन है जिसने कभी जीवन में मिथ्या वचन ना बोला हो, और अभी आप कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति विजयनगर में उपस्थित है? जी गुरुवर, उपस्थित है और सहस्त्रों की संख्या में उपस्थित है। हाँ, अंतर केवल इतना है कि वो अभी तक व्यक्ति नहीं बने। सहस्त्रों की संख्या में? ये पंडित रामकृष्ण, आपका कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है गुरुवर कि वो अभी नन्हे बालक हैं। एक से दो वर्ष की आयु के नन्हे शिशु, और क्योंकि उन्होंने अभी तक बोलना नहीं सीखा तो वो मिथ्या वचन कैसे बोलेंगे महाराज? अद्भुत पंडित रामकृष्णा, अद्भुत। अब इसका अर्थ तो ये हुआ कि राजदूत महोदय, आपको एक या दो नहीं अपितु अनेक स्वर्ण पात्र विजयनगर राज्य में वितरित करने होंगे। चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें ज्ञात है मिथिला नरेश ने केवल यही पात्र भेजे। आप एक काम कीजिए, ये पात्र जो आप लाए हैं, हम चाहते हैं कि आप ये पात्र पंडित रामकृष्ण के पुत्र भास्कर को प्रदान करें। आज हमारे भास्कर के लिए भेंट आई है। अभी कहां से? मिथिला प्रदेश से, और वो भी शुद्ध स्वर्ण से निर्मित। और इसी कारण तुम मेरे सर पर तेल लगा रही हो, है ना अम्मा? अरे कौन मूर्ख है जो खिड़की इतनी जोर से बजा रहा है? यहाँ बैठे बैठे क्या चिल्ला रहा है, जाके देख। नहीं नहीं, तुम भी चलो ना। जो भी होगा आज उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि कभी नहीं भूलेगा। चलो चल, चलो। मैं देखूं? कोई नहीं है। अम्मा के नंदे को देखकर भाग गया होगा। हमारे Yeah.
कर भाग गया होगा। चलिए शिकायत कर। शारदा तुम ऐसा, हम नहीं अम्मा कह रही हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप कोतवाल महोदय के यहाँ अभी चले जाइए और धनी मनी की शिकायत कीजिए। इस बार तो उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी है, उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। शारदा देखो, धनी मनी मूर्ख अवश्य है किंतु चोर नहीं है। स्वर्ण पात्र कोई और चुरा ले गया। हमें और कुछ नहीं सुना, हमें हमारा स्वर्ण का पात्र पुनः चाहिए। अम्मा भी कह रही पुनः चाहिए कि तो मैं उचित है, उचित है। से क्या कम समस्याएं हैं, जो अभी एक नई समस्या भी आ गई। उसे ग्रंथों का अनुवाद का कार्य भी पूर्ण करना है। गुरुवर के घर जाना ही उचित रहेगा, अन्यथा ये दोनों मुझे व्यथित करती रहेंगी। हाँ कहाँ जा रहे हैं आप? अम्मा शारदा, बापू तुमसे त्रस्त होकर भागने की योजना बना रहे हैं। कहाँ जाऊंगा शारदा, स्वर्ण पात्र ढूंढने जा रहा हूँ। उचित है, जाइए जाइए। ये ग्रंथों की पोटली क्यों लेकर जा रहे हैं? चोर को शास्त्र का ज्ञान दूंगा कि भाई चोरी चकारी करना छोड़ दो। कह कि मुझ जैसे भोले भाले मनुष्य को कष्ट होता है ना, इसलिए। अच्छा, अरे अनुवादित ग्रंथ गुरुवर से निरीक्षण करवाना है, इसलिए ले जा रहा हूँ। आपकी बातों पर विश्वास तो नहीं होता, परंतु कर लेते। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास करने के लिए। और हाँ, धनी मने की शिकायत अवश्य कीजिएगा। उचित है, उचित है।
से तो स्वामी के वस्त्र कभी दूषित हो ही नहीं सकते, परंतु आज के मुहूर्त के अनुसार स्वामी के सभी वस्त्रों को एक साथ धोने के लिए अति उत्तम दिवस है, इसीलिए हमने संपूर्ण वस्त्र एक साथ ही धो दिए। स्वामी को जब ये ज्ञात होगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। ए धनी मनी, ए कहां मर गए ये दोनों? अरे द्वार खटखटा रहा है, कोई देखो। कौन है, कौन है, कौन है जो पीछे का द्वार खटखटा सकता है? कौन है? कोई नहीं है। क्या है, है? ये वस्त्र ना फाड़ दे। ए बंद बंद हट बंद हट बंद, ऐसे नहीं मानेगा तू। तुझे अभी सबक सिखाते, अभी सबक सिखाते तुझे। क्या 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 कर रहे हो? है वानर, हम तो शांति दूसरे, हम परिहास कर रहे थे आपके साथ। देखो तुम्हें जितनी उछल कूद मचानी है मचाओ, जितनी गुलाटियां लगानी है लगाओ, पर हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है इन वस्त्रों को मत छोड़ो। है हमारी धोती, धोती धोती हमारी धोती। हमें क्या थे, आप यहाँ हमारे स्वामी के दर्शन करने के लिए पधारे, हमारा प्रणाम स्वीकार करिएगा। अरे वरुण माला, क्या आरती उतार रही है उसकी? वानर है वो। स्वामी ध्यान से देखिए, ध्यान से, वो ईश्वर रूप में हमारे आंगन में देवता पधारे हैं यहाँ पर। ये तो भोग लगाना चाहिए, भोग। अरे मूर्खों, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? भगाओ वानर को, भगाओ, भगाओ। जी गुरु जी, जी गुरु जी, अभी भगाते हैं। इस धोती को कुछ मत करना, इस धोती को कुछ मत करना, ये हमारी खानदानी धोती है गुरु जी। यदि धोती इतनी प्राचीन है तो वानर आज को फाड़ने दीजिए, फाड़ने के बाद ये स्वतः ही चला जाएगा। ये जाएगा मैं। अरे अरे हमारी धोती के प्राणों की रक्षा करो कोई। अरे बचाओ हमारी धोती को, बचाओ। अरे छोड़ छोड़ छोड़, चल गया। हाँ, बच गई, बच गई, हमारी हमारी खानदानी धोती बच गई, बच गई। महाराज, महाराज जी, महारानी चिन्ना देवी जी। महाराज, अरे वाह, आप तो अत्यंत प्रसन्न प्रतीत हो रही हैं। जी महाराज, आज हम अत्यंत ही प्रसन्न हैं। ये देखिए, ये पत्र आया है, आज हमारे मायके से कोई आ रहा है। क्या? हाँ? क्यों, कौन आ रहा है महारानी चिन्ना देवी, कौन आ रहा है? हमारे राज्य के रक्षा मंत्री स्वामी चित्राक्ष महोदय, वो हमारे राज्य से कोई बहुमूल्य धरोहर यहाँ विजयनगर लेकर आ रहे हैं महाराज। और अब हमारे सास ससुर तो नहीं आ रहे महाराज? काश कि वो भी आ पाते, हम उनके आगमन की तैयारी करते हैं। आप निश्चित रहिए। जी महाराज, उचित है।
हम भी आते हैं अभी। अरे अरे सारे वस्त्र का लुप्त हो गए, ये वस्त्र कहाँ चले गए? हमारे सभी वस्त्र चोरी हो गए। वरुणमाला 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 क्या हुआ? ये सब बस हम समझ गए स्वामी, ये सब आप ही का चमत्कार है। हाँ स्वामी, कैसी बातें कर रही हो? भला चमत्कार करके हम अपने वस्त्र क्यों लुप्त करेंगे वरुणमाला? क्योंकि अब आपकी महानता और भी बढ़ गई है स्वामी। हाँ? अब ये साधारण वस्त्र आपके शरीर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को संचित नहीं कर पा रहे हैं, असक्षम है। इसीलिए स्वयं आपने अपनी शक्ति द्वारा इन सब वस्त्रों को लुप्त कर दिया। हम समझ चुके हैं, अब आप मात्र भगवा वस्त्र ही धारण करेंगे। हमने सुना है मात्र भगवा वस्त्र में ही ऊर्जा को समाहित करने की असीम शक्ति है। अरे वरुणमाला, किसने कहा था आपको एक ही दिवस में हमारे सभी वस्त्र धोने के लिए? स्वामी, आज का दिवस अत्यंत ही शुभ है। हाँ, वो तो हमने देख लिया, प्रातः होते ही वानर ने आक्रमण कर दिया और उसके बाद किसी ने हमारे सभी वस्त्र चुरा लिए। ये कोतवाल का बच्चा किसी काम का नहीं, उसके होते नगर में चोरी कैसे हो गई? नहराज नहराज नहराज, ये लंगड़ा कोतवाल, छोड़ेंगे नहीं हम उसे, महाराज से उसकी बात करेंगे हम। छोड़ेंगे नहीं इस कोतवाल को, छोड़ेंगे नहीं, नहीं छोड़ेंगे हम। प्रणाम गुरु। कहीं ये सब इस रामा का तो प्रपंच नहीं? हमारे वस्त्र चोरी करवा के अब हमारा उपहास उड़ाने आया है। पंडित रामकृष्णा जी गुरुवर, इस पोटली में क्या है? वही है जो प्रतिदिन होता है। क्या होता है? ग्रंथ है गुरुवर। ओ, तो इसका अर्थ है कि रामा ने हमारे वस्त्र नहीं चुराए हैं। किंतु बात क्या है, आप तनिक चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। असल में हमारे गुरुजी है ना, अब बस एक ही जोड़ी कपड़ों में रह गए। क्यों उपहास करते हैं धनी महोदय, हर मनुष्य एक जोड़ी वस्त्र में ही रहता है। नहीं 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 पंडित रामकृष्णा जी, धनी का कहने का अर्थ ये है कि गुरुजी के पास अब एक ही वस्त्र बचे जिसमें हमको पूरा जीवन निकालना पड़ेगा। हाँ, क्यों गुरुवर, कहीं आपने भी अम्मा की भांति कोई व्रत तो धारण नहीं कर लिया? नहीं नहीं पंडित रामकृष्णा जी, गुरुजी ने कोई मौन व्रत नहीं रखा है। गुरुजी के सारे वस्त्र चोरी हो गए। क्या? अरे हाय, बड़ा दुख हुआ सुनकर, किंतु कब कैसे कहाँ क्यों? पंडित रामकृष्णा जी गुरुवर, आप ये जले पर नमक मत छिड़की। अच्छा, हम वैसे बहुत जले हुए। आप बस ये बताइए कि आपका यहाँ आने का मंतव्य क्या है? वही है गुरुवर जो प्रतिदिन होता है। क्या होता है? ग्रंथों का अनुवाद करना है गुरुवर, आप भुलक्कड़ होते जा रहे हैं। प्रणाम गुरु माता। प्रणाम पंडित रामकृष्णा, अत्यंत ही उचित अवसर पर आए हैं आज आप। हमने स्वामी के लिए रसम बनाया है, एक बार स्वामी भोग लगा ले, तत्पश्चात आपको और धनी मनी को रसम का प्रसाद देंगे। धन्य हो अहो भाग्य मेरे कि आपके स्वामी आपके प्रभु के कारण मुझे भी रसम पीने को मिलेगा। वरुणमाला, हमें रसम देकर भोग लगा लो, उसके पश्चात हम पंडित रामकृष्णा जी के साथ बैठकर रसम ग्रहण करेंगे। जो आज्ञा स्वामी। लाइए। पंडित रामकृष्णा जी गुरु, सर्वप्रथम आप और हम बैठकर रसम ग्रहण करेंगे, उसके पश्चात कार्य आरंभ करेंगे। आप बैठिए। हाँ। धनी मनी जी गुरु जी, हमारे साथ भीतर आओ, हम अभी आते हैं। आहा,
रामा, अनुवाद का कठिन कार्य करने से पूर्व रसम पीने को मिलेगा। आज दिन शुभ है। सो जा, भुक्कड़ गई का। गुरुजी ने आपको स्मरण किया है। जल्दी से जाइए 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 आप। आपने हमें स्मरण किया? हमने नहीं। हाँ, वरुण माला हमारे लिए और पंडित रामाकृष्णा के लिए जल लेकर आइए। जी। चलो चलो। ये लीजिए। मैं सब संभाल गया। गुरुजी ये वाला नहीं, वो वाला लीजिए। ओह पंडित रामाकृष्णा लीजिए, रसम ग्रहण कीजिए। हाँ जी 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 गुरु। लीजिए लीजिए स्वामी। जल? अरे हाँ, वरुण माला ये जल क्यों लेकर आ गई आप? जल पीकर ही पेट भर जाएगा तो रसम क्या पिएंगे हम? ले जाओ, वापस ले जाओ। परंतु आप ही ने तो। अरे हमने कहा था कि ले आओ, अब हम कह रहे हैं कि ले जाओ। जाओ जी। ये रसम पीने के पश्चात हम आपको जल तक ग्रहण नहीं करने देंगे पंडित रामाकृष्णा। लीजिए पंडित रामाकृष्णा जी। गुरु लीजिए लीजिए पंडित रामाकृष्णा जी, उठाइए। पीछे पीछे रामाकृष्णा जी। अरे लीजिए, ग्रहण कीजिए, रसम ग्रहण कीजिए। हाँ लीजिए लीजिए। ग्रहण कीजिए, लीजिए लीजिए। रसम था गुरुवर, गुरु माता ने क्या रसम बनाया है। पंडित रामाकृष्णा, हमें ज्ञात नहीं था आपको तीव्र मिर्च वाला रसम अच्छा लगता है। हाँ ना गुरुवर, रसम में मिर्च अधिक नहीं थी, इतनी मिर्च तो मेरे लिए सामान्य है। अच्छा, गुरु माता ने बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में मिर्च डाली है इसमें। अरे आप भी ग्रहण कीजिए कीजिए कीजिए। I'm
पंडित रामकृष्ण। अरे वो क्या है? क्या है? कहाँ? अब नहीं, अब मुझे उधर लगा कि कुछ है। अरे हाँ, वो वानर होगा। प्रातः भी एक वानर था, उसने हम पर आक्रमण कर दिया। ओह, और वो ले गया। क्या ले गया? वो उसने वो हमारी खानदानी धोती कर फाड़ दी। लंगोट तो सुरक्षित है ना गुरुवर? एक ही है जो हमने धारण किया हुआ है। अच्छा छोड़िए, ग्रहण कीजिए। हाँ रसम। ए बंधु, प्रतीत होता है रामा आज गुरुवर अनुवाद करने में तेरी सहायता नहीं कर पाएंगे। मुझे भी यही प्रतीत होता है बंधु। चल चल यहां से निकल, भाग यहां से, भाग। यहां निशुल्क फल नहीं मिलता, जा भाग, वृक्ष के ऊपर से फल खा, चल भाग यहां से। अरे महोदय, इस बेजुबान को क्या पता कि फल मोल लिए जाते हैं। इसे तो यही ज्ञात है ना कि ईश्वर ने सभी के लिए निशुल्क फल उगाए हैं। अब वहीं रहना, नीचे मत आना। अरे क्षण भर में सभी फल कहाँ लुप्त हो गए? रामा, तेरे घर से स्वर्ण पात्र की चोरी, गुरुवर के वस्त्रों की चोरी और अब इस फल वालों के समस्त फलों की चोरी। प्रतीत होता है विजयनगर में कोई अत्यंत ही शातिर चोर प्रवेश कर गया है। हाँ बंधु, मुझे भी यही प्रतीत होता है, किंतु इतनी तीव्र गति से कौन चोरी कर सकता है? कहाँ गए मेरी मिठाइयाँ? कहाँ गए? मैं वानरों को भगाने क्या गया? किसी ने मेरे संपूर्ण मिष्ठानी चुरा लिए। हे ईश्वर, मेरी दुकान के सारे पुष्प कहाँ चले गए? ईश्वर, मेरी दुकान से कोई वस्त्र चुरा कर ले गया। कौन है? किसने किया ये सब? समय आपको और ईश्वर सुनाई देगा। हम उन्हें दीक्षा दे रहे मंत्र उच्चारण की। क्या दे रहे हैं स्वामी? मंत्र उच्चारण की दीक्षा दे रहे हैं। मंत्र उच्चारण? परंतु आपके कंठ को क्या हुआ है स्वामी? हमें अभ्यास कर रहे हैं। आप तीनों ये कैसा अभ्यास कर रहे हैं? आओ अब घर देखो। सकुशल है जी स्वामी, सही से अभ्यास कर रहे हैं। विश्वास हो गया? विश्वास? हाँ स्वामी, आप पर अविश्वास तो असंभव है। धन्यवाद, जाइए हमें
अभ्यास करना है, अभ्यास जी, अभ्यास। गुरुजी वो हमारी त्रुटि नहीं थी, हमें क्षमा कर दीजिए गुरुजी, क्षमा कर दीजिए। छोटी बच्ची थी उसमें भी हम गिरा दिया, अब हमें खानदानी धोती पहनकर फटी धोती पहनकर दरबार जाना होगा। मुझे आप चिंता मत कीजिए, चिंता मत, धोती उतारिए, धोती अभी धो देंगे, अच्छे से धोएंगे, धोती धोती गुरुजी। मत तुम्हारी है गुरुजी, मत तुम्हारी। अच्छा, ये धोती उतारेंगे तो आरी आती नगर कोतवाल, हमने सुना है हमारे नगर में बहुत सी चोरियां हो रही हैं। मुझे ज्ञात नहीं। आपको ज्ञात नहीं है? मंत्री, और मैं सो रहा था, सिपाही ने जगाया और मैं सीधे यहाँ चला आया। कोतवाल, यहाँ नगर में इतनी चोरियां हो रही हैं और आप शांति से सो रहे हैं? सो रहा था? नहीं मंत्री, मैं सोच रहा था। आपने सो रहा था सुना क्या? जी नहीं नहीं मंत्री, मैं सोच रहा था, परंतु महाराज का आदेश था सो सीधे राजमहल चला आया। आग में मुझे कुछ भीड़ दिखी, मैंने सोचा जांच पड़ताल करूं, लेकिन तत्काल राजमहल पहुंचना था सो सीधे यहाँ चला आया। देखो नगर कोतवाल, ये हम आपको अंतिम चुनाव। प्रणाम महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, आपने हमको अति शीघ्र बुलाया, कोई विशेष प्रयोजन? जी महामंत्री, महारानी चिन्ना देवी के मैके से बहुमूल्य धरोहर लेकर एक सैन्य टुकड़ी आ रही है। हम चाहते हैं कि आप सीमा तक जाएं और ससम्मान उन्हें राजमहल तक लेकर आएं। अवश्य महाराज, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। धन्यवाद। कोतवाल चलो। जी मंत्री। गुरुवर और पंडित रामकृष्ण दोनों ही अनुपस्थित हैं। महाराज, महाराज आ गए, आ गए। प्रणाम महाराज। पंडित रामकृष्ण, बिना विलंब से। क्षमा करें महाराज, किंतु वो स्वर्ण पात्र जो मिथिला नरेश ने उपहार स्वरूप दिया था वो चोरी हो गया। क्या? इसमें मेरा कोई दोष नहीं है महाराज, वो अत्यंत ही चतुर चालाक चोर है, और मात्र मेरे ही घर से नहीं, गुरुवर के घर से भी चोरी हुई है। उनके तो सभी वस्त्र चोरी हो गए महाराज। गुरुवर के घर भी चोरी? हाँ, ये देखिए, वस्त्रहीन दरबार में नहीं आ सकते थे, कदाचित इसी कारण उपस्थित नहीं हुए बेचारे। आंधी आ जाए या तूफान, विजयनगर राज्य के राजगुरु तथाचार्य को दरबार में आने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। हमारे सभी वस्त्र चोरी हो गए, परंतु हम फिर भी दरबार में आए। एकमात्र ये धोती बची थी महाराज, हमारी पारिवारिक धरोहर, हमारे दादा परदादा की धोती, और इस धोती को भी एक दुष्ट वानर ने फाड़ दिया, परंतु हम फटी हुई धोती पहनकर चले आए। महाराज, हमने अपनी समस्त प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया, क्योंकि हमारे लिए राजधर्म सबसे श्रेष्ठ है महाराज।
हम अपने कर्तव्य को समझते हैं महाराज, इसीलिए हम विजयनगर राज्य के सबसे विश्वास पात्र और कर्तव्य परायण नागरिक हैं। अवश्य गुरुवर, अवश्य आप हैं। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। धन्यवाद महाराज। ऐसे क्या देख रहे हैं? हमारे वस्त्र चोरी हुए हैं, हमारी निष्ठा नहीं। अद्भुत गुरुवर। कोतवाल महोदय, इन चोरियों के विषय में आपको कुछ ज्ञात है? महाराज, शांत शांत हो जाइए आप सब। क्या समस्या है आप सभी की? महाराज, मेरे सारे पुष्प चोरी हो गए हैं। महाराज, महाराज, मेरे संपूर्ण मिष्ठान भी चोरी हो गए। महाराज, मेरे सारे फल चोरी हो गए। मेरी दुकान से वस्त्र चुरा कर ले गया कोई। शांत हो जाइए, एक एक करके विस्तार में हमें बताइए। रुको, धूमकेतु। क्या हुआ मंत्रीवर? हमें एक आवश्यक कार्य करना है। झाड़ियां प्रतीक्षा कर रही हैं। अब तुम यहीं रुको और संदूक पे दृष्टि रखो। इस संदूक में बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है, जिसे कुशलता पूर्वक हमें विजयनगर महारानी चिन्ना देवी जी तक पहुंचाना है। हमें ज्ञात है मंत्रीवर, आप निश्चिंत रहें। मंत्रीवर, मंत्रीवर, आप आज्ञा दें तो मैं निकट आऊं। आऊं? मंत्रीवर, आप चिंतित ना हो, मैं भी आपका उपचार करता हूं, क्षमा कीजिएगा। विजयनगर राज्य में चोरी की इतनी घटना है, वो भी सब एक साथ, आश्चर्य की बात है। हाँ महाराज, फल वाले के साथ हुई घटना का तो मैं स्वयं साक्षी हूँ। सब कुछ मेरी आंखों के समक्ष ही हुआ। मैंने स्वयं देखा कि इनकी दुकान से कैसे सारे फल क्षण भर में ही लुप्त हो गए। हमारे भी तो वस्त्र चोरी हुए हैं। और इसी प्रकार की घटना मेरे घर पर भी हुई महाराज। मिथिला नरेश ने भास्कर के लिए जो स्वर्ण पात्र भेंट स्वरूप दिया था, वो भी अचानक गायब हो गया। महाराज, ये जो कोई भी है अत्यंत ही चतुर चोर है, और ये समस्या हमारे विजयनगर के लिए अत्यंत ही गंभीर है महाराज। कोतवाल महोदय, इस विषय में कोई सूचना प्राप्त हुई आपको? अब कर क्या रहा है इस विषय में? महाराज, मैं अति शीघ्र ही जाकर उस चोर को पकड़ के आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। बस मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, मैं भी उसी कार्य में जुट जाता हूँ। शीघ्र जाइए मंत्री। हाँ मंत्री जी। महाराज, उन चोरों को पकड़ने में कोतवाल की जितनी बन पड़े उतनी सहायता कीजिए।
जो आज्ञा महाराज। हमें वो चोर हमारे समक्ष चाहिए महाराज। आप सब निश्चिंत रहिए, उन चोरों को अवश्य पकड़ लिया जाएगा और आपकी वस्तुएं आपको पुनः दिला दी जाएगी। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। महामंत्री जी। महाराज आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज प्रणाम, मैं शंभू राव। महाराज प्रणाम, मैं वैराज राव। प्रणाम। कहिए क्या सहायता कर सकते हैं हम आपकी। महाराज वैराज राव मेरे पड़ोसी हैं, लेकिन इसे सदैव मेरे हरे भरे खेतों से ईर्ष्या रहती है, इसीलिए इसने अपने मवेशियों को मेरे यहाँ चरने के लिए भेज दिया। महाराज इससे मेरी सारी फसल नष्ट हो गई, मेरे संपूर्ण वर्ष की मेहनत एक पल में नष्ट हो गई। महाराज महाराज मेरे पास जीवन यापन करने के लिए कुछ भी नहीं है। महाराज महाराज आप कोई निर्णय कीजिए। महाराज शंभुराव जी आपको न्याय अवश्य मिलेगा, और आप महोदय अपने पक्ष में कुछ कहना चाहेंगे आप। महाराज मैंने जानबूझ के मेरे मवेशी इनके खेत में नहीं छोड़े। महाराज जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मवेशी अबोध होते हैं, उन्हें भले बुरे का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उन्होंने इसके खेत की फसल नष्ट कर दी। महाराज इसमें मेरी कोई त्रुटि नहीं, जो कुछ भी हुआ अनभिज्ञता में हुआ। ये विवाद तो अत्यंत ही सरल है, इसके पूर्व की रामा इसे हल करे, हम इसका समाधान करके महाराज की दृष्टि में बुद्धिमान और न्यायप्रिय बन सकते हैं। हमारे विचार से इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए महाराज को व्यथित नहीं करना चाहिए। ये न्याय तो हम भी कर सकते हैं। न्याय चाहिए या ऐसे ही मुंह फाड़े खड़े रहने का विचार है। क्षमा गुरुवर। क्षमा गुरुवर। हाँ ठीक है। महाराज हमें इनका न्याय करने का अवसर प्रदान कीजिए। अवश्य गुरुवर। धन्यवाद महाराज। अच्छा सारी त्रुटि आपकी है वैराज राव महोदय, इसलिए हम निर्णय लेते हैं। महाराज के कहने पर निर्णय लेते हैं कि आपके सारे मवेशी शंभूराव महोदय को दे दिए जाने चाहिए सदा सदा के लिए। इससे जो शंभूराव को हानि हुई है उसकी पूर्ति हो जाएगी। महाराज मेरे मवेशी ही मेरे संपत्ति है, उनके अलावा मेरा कुछ नहीं है। मेरे मवेशी मुझसे मत छीनिए। आपको अपने मवेशियों को शंभूराव के खेत में छोड़ने से पूर्व यह सोचना चाहिए था वैराज राव महोदय। अति उत्तम, अति उत्तम, इसे कहते हैं न्याय गुरुवर। गुरुवर आज आपने पुनः सिद्ध कर दिया कि आप कितने न्याय प्रिय हैं। शांत हो जाइए आप सभी। क्या बात है पंडित रामकृष्ण, आप इतने शांत क्यों बैठे हुए हैं? आपको हमारे निर्णय पर कोई संदेह नहीं हो रहा है? पंडित रामकृष्णा जी महाराज, इस विषय में आप भी अपने विचार रख सकते हैं। हम जानना चाहेंगे कि इसमें यदि आपको न्याय देना होता तो आप क्या कहते। अवश्य ही पंडित रामकृष्णा हमारे विषय में विपरीत कहेगा, इसे तो अवसर चाहिए हमें अनुचित सिद्ध करने का।
महाराज, न्याय का उद्देश्य अपराध को समाप्त करना होता है, अपराधी को नहीं। और इसी उद्देश्य से कारागृह में सुधार गृह बनाए जाते हैं, ताकि हर अपराधी को सुधरने का एक अवसर अवश्य प्राप्त हो। और यहाँ तो वैराज राव का सीधा कोई अपराध भी नहीं है महाराज। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि इन्होंने जानबूझकर या सोच समझकर अपने मवेशी खेत में भेज दिए थे, या इनके मवेशी इनकी अनभिज्ञता में शंभू महोदय के खेत में चरने के लिए पहुंच गए थे। तो क्या करें, इन मवेशियों को उठाकर कारागार में डाल दें? एक कार्य करते हैं महाराज, मवेशियों के लिए एक कारागृह बनवा लेते हैं। पंडित रामकृष्ण, हम जानना चाहते हैं, यदि आपको इस विषय में निर्णय लेना होता तो आप क्या लेते? महाराज, मेरे विचार से वैराज महोदय को एक वर्ष के लिए शंभू महोदय के खेत में श्रम करने का दंड दिया जाए। जिससे इनके श्रम के आय से जमा किया हुआ धन शंभू महोदय के वर्ष भर की आय की भरपाई में उपयोग किया जा सके। साथ ही वैराज महोदय के मवेशी भी एक वर्ष के लिए शंभू महोदय के लिए कार्य करेंगे, और इनके मवेशियों से उत्पन्न उत्पाद जैसे कि उनके बच्चे, खाद, दूध भी शंभू महोदय को ही मिलने चाहिए। इस तरह इनका जीवन पुनः व्यवस्थित हो जाएगा, और एक वर्ष के पश्चात वैराज महोदय को भी अपना जीवन पुनः आरंभ करने के लिए इनके मवेशी मिल जाएंगे। और इस तरह शंभू महोदय और वैराज महोदय दोनों सुखी रहेंगे। एक सटीक निर्णय वो होता है जिसमें वादी और प्रतिवादी दोनों को न्याय मिले, संतुष्टि मिले। पंडित रामकृष्ण, आपका निर्णय उचित है, अद्भुत है। आपने सही समय पर अपनी विचारधारा प्रस्तुत करके हमें एक अनुचित निर्णय लेने से बचा लिया। सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद पंडित रामकृष्ण। आशा करते हैं आप दोनों संतुष्ट हैं। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। महाराज कृष्ण देव राय की जय। महाराज कृष्ण देव राय की जय। महाराज कृष्ण देव राय की जय। महाराज कृष्ण देव राय की रात्रि अधिक हो गई है, आज शिविर यहीं लगाओ। मंत्रीवर, विजयनगर बस कुछ ही कोस दूर है, मध्य रात्रि तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। धूमकेतु, तुम्हें तो सब विदित है, फिर भी ऐसा कह रहे हो। तुम्हें ज्ञात तो है कि संदूक में कितनी महत्वपूर्ण वस्तु है। हम इस रात्रि में यात्रा का जोखिम नहीं उठा सकते। सैनिकों, आज रात्रि हम यहीं विश्राम करेंगे, अप्रातः विजयनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा मंत्रीवर। सुहाना और शांत प्रातःकाल है। जी मंत्रीवर।
हम अभी एक अवश्य कार्य करके आते हैं। अवश्य शीघ्रता पूर्वक कार्य संपन्न करिए। शारदा बापू को वानर कह दिया। वानर के मुखौटे से डर गया, ये कह रही है अम्मा। सब मिले हुए हो, सब सताते रहते हो मुझे, डरा दिया। मंत्रीवर आप बैलगाड़ी में विराजमान हो जाइए। ये ध्वज तो विजयनगर का है स्वामी। रुकिए। प्रणाम। आपके राजकीय वस्त्र स्वयं आपका परिचय दे रहे। आप विजयनगर के महामंत्री तिमरसु जी है ना? जी आपने उचित पहचाना। और आप हैं स्वामी चित्राक्ष महोदय। ये धूमकेतु हैं, हमारे सेवक भी हैं और मित्र भी। प्रणाम। विजयनगर राज्य में आप सभी का स्वागत है। पधारिए। मंत्रीवर आप बैलगाड़ी में विराजमान हो जाइए, हम महामंत्री जी के साथ पदयात्रा करेंगे। उचित है। उचित। पधारिए। आइए चलिए चलिए।
ये ध्वनि कैसी? वही तो हम भी देख रहे हैं। दंडवत प्रणाम भी कर रहे हैं। इस प्रकार का उपचार तो हमने विजयनगर में पहली बार देखा है। लेकिन मैंने देखा है। कहाँ? आए दिन गुरुवर धनी मैने का करते रहते हैं। क्या हम पुनः? जी मंत्रीवर। पता नहीं राजवैद्य जी कब हमारे रोग का निदान ढूंढेंगे। हम व्यतीत हो चुके हैं। महोदय, आप ठीक तो हैं? क्षमा कीजिए। पधारिए। आज तो दरबार महक रहा है। कितनी लुभावनी मन भावनी सुगंध है मनी। आनंद आ रहा। आज विशेष उपलक्ष प्रतीत होता है। दरबार में कुछ विशेष होने वाला है, इसीलिए दरबार को सुगंधित किया जा रहा है। मधुर, वाह। प्रणाम गुरु भाई। प्रणाम प्रणाम। वाह 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 वाह। महाराज कृष्णदेव राय की जय। 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 महारानी चिन्ना देवी की जय। महारानी तिरुमलम्बा की जय। महारानी चिन्ना देवी की जय। महारानी तिरुमलम्बा की जय। ए बंधु। रामा, आज दरबार में क्या कोई विशेष कार्यक्रम है? पता नहीं बंधु। अतुल्य नगर के महामंत्री श्री स्वामी चित्रार्थ पधार रहे हैं। ओ, तभी ये विशेष व्यवस्था हो रही है स्वागत की। पधारिए मंत्री। राम महाराज। चित्राक्ष महोदय, विजयनगर में आपका स्वागत है। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी चिन्ना देवी जी। प्रणाम मंत्रीवर। हमारे माता पिता कैसे हैं? राज्य में सब कुशल मंगल तो है ना? जी हाँ, सब कुशल मंगल से है। आपके माता पिता भी? हमारी दिव्यलता काकी कैसी है? जी वो भी। हमारे बचपन के कक्ष के बाहर जो विशाल गुलर का वृक्ष था, क्या इस वर्ष भी वहाँ पर प्रवासी पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए हैं? बताइए ना मंत्रीवर, बताइए ना हमें। महारानी चिन्ना देवी जी, हम आपकी उत्सुकता समझ सकते हैं, परंतु इस प्रकार प्रश्नों की बौछार मत कीजिए। लंबी यात्रा के पश्चात क्लांत हुए होंगे। दरबार की कार्रवाई समाप्त हो जाए उसके पश्चात हम आपको अवसर देंगे। आप आराम से बैठकर जी भर के अपने मैकी की बातें कीजिएगा। वैसे भी इन्हें शीघ्र लौटने नहीं देंगे हम। महाराज, विजयनगर हम एक विशेष प्रयोजन से आए। कहाँ है संदूक? कहाँ है संदूक? कोतवाल
मंत्रीवर। अरे मुख क्या देख रहे हो, हम तो कहते हैं दंडवत करके थप्पड़ मार लो। मंत्रीवर आपने 10 बैलों को ताकत है, आप मारेंगे हमें चकली ठीक हो जाएगा। ये क्या हो गया? ये कैसी दृश्यता है? क्षमा करना महाराज, ये तो मंत्रीवर का उपचार है। उपचार है जी महाराज, ये इसी प्रकार ही ठीक होते हैं। हम इन्हें बाल्यकाल से देखते आ रहे हैं, ये इनका विकार है और इसका उपचार थप्पड़ से ही होता है। महाराज, महारानी चिन्ना देवी जी सत्य कह रही। महामंत्री जी, हमें महारानी चिन्ना द्वारा ये ज्ञात हुआ है कि आप अतुल्य नगर से कुछ अनमोल धरोहर लेकर बता रहे हैं। हम उत्सुक हैं जानने के लिए कि वो धरोहर क्या है और किस प्रयोजन से उसे यहाँ विजयनगर में लाया गया है। एक क्षण दीजिए महाराज। ऐसी क्या विशेष वस्तु आई है महारानी चिन्ना देवी जी के मायके से, तनिक हम भी तो देखें। जो भी हो, यदि गुरुजी ने इसे हड़पने का प्रयास भी किया ना तो महाराज बुड्ढे को बंदी बना लेंगे। चुप रहो गधों। ये क्या है महाराज? यदि महारानी जी आपको बताए तो ज्यादा उचित होगा। महाराज, हम चाहते हैं कि इस वस्तु के विषय में कोई भी जानकारी देने से पूर्व आप इसके दर्शन कर लीजिए। अवश्य महारानी चिन्ना देवी। महाराज, यह हमारे मायके से आई 7 मणियां हैं। आप सदैव कहते हैं ना, अतुल्य नगर राज्य पर ईश्वर की विशेष कृपा है। शीत, ग्रीष्म, सभी ऋतुएं अपने हिसाब से आती है और जाती है। वर्षा भी उचित प्रकार से सदैव होती है, ना अधिक ना कम। सत्य तो ये है महाराज कि हमारे मायके पर ईश्वर की कृपा के साथ साथ इन मणियों की भी कृपा है। अच्छा। और इन्हीं के प्रभाव स्वरूप हमारा अतुल्य नगर राज्य सदैव ही सुखी, समृद्ध और उन्नतिवान रहता है।